तो हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं राजस्थान जयपुर। अब हम अच्छा एक हफ्ता ठीक वहीं रहेंगे और हमारे बच्चे, जिनको पता चल जाता है कि हम अगली सुबह जल्दी मॉर्निंग में जाएंगे वहां पे, तो ये सोते नहीं है। ये देखो, ये देखो, सोई नहीं है। ओ ड्रामा। और गाइस राजस्थान का मतलब आप कासिल जा रहे कासेल, इसको एक गांव का नाम है कासेल। कासिल यार इतनी ठंड हो रही है, कैसे जाएंगे? मेरा तो मन नहीं कर रहा ना नहाने का ना धोने का, चार बज गए हैं, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। शुरू है। अभी मम्मी बाहर गई है, वो सारा काम कर रही है। और हम बेड पे आराम फरमा रहे हैं। मम्मी नहा भी ली, मम्मी खाना भी बना रही है, मम्मी चाय बना रही दोस्तों सुबह के 4:30 बज रहे हैं, लेकिन ये बच्चे अब ऐसे उठ गए हैं जैसे अभी दिन ही हो रहा है। और हम जा रहे हैं राजस्थान, वहां पे हम खूब इंजॉय करेंगे। और जैसा हम मतलब हम तो आपने देखा होगा वीडियोस में, हम इंजॉय ही करते हैं हर चीज में, चाहे छोटा फंक्शन हो। ये देखो, ये इसको देख लो, मीनाक्षी ने अबे ये क्या मेरी जैकेट पहन ली तुमने? तो लग रही थी। ठंड लग रही थी। ओबे भाई देख रहे हो मेरे कपड़े पहन लेती है, मैंने भी तो पहने हैं, इसने भी मेरे कपड़े पहन लिए। मैंने भी तो कपड़े पहने। और मैं ना अपने कमरे और मुझे ठंड लग रही है गाइस। गाइस तो गाइस हम अब सब तैयार हो गए हैं। देखिए दर्श भी तैयार हो गया, मैं भी हो गई, मम्मा मम्मा आप भी तैयार हो गए। तैयार हो गए तो नाश्ता कर लो। तो गाइस नाश्ता भी करना पड़ेगा। तो गाइस मैं लग रहा हूँ उड़ने वाला जहाज, और जैसे वो पहना था उड़ने वाला वो लग रहा हूँ मैं क्रिश। दोस्तों जयपुर जा रहे हैं हम, हमारे साथ देखिए कितना बढ़िया मौसम चल रहा है, और पीछे हमारे मोती कितना बढ़िया मौसम है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। रात हो गई है और पीछे देखिए कितने ज्यादा बैग हैं, हमें ऐसे लेटना। अब हम चल दिए हैं, आज कितना अच्छा लग रहा है। चले ठीक है चलो। तो गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सुबह का मौसम है, सुबह का समय, और हम ये चल दिए। हमें डर है कि ट्रैफिक हो ना जाए कहीं, तो हम चल दिए हैं अपने रास्ते की ओर। और हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही है, यानी कि हरी बत्ती मिल रही है, मतलब हर जगह हमें आगे बढ़ते ही रहना है। चलिए देखते हैं आगे हम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ से ले लूंगा राइट टर्न, और राइट टर्न देखते हैं अलाउड है कि नहीं है। ओ सॉरी, राइट टर्न अलाउड नहीं है। अभी हवा में उड़ता जाए। दर्श पीछे लिखा था, मम्मी क्या लिखा था पीछे? पीछे लिखा था डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो मैंने बाल भी नहीं बाए, मतलब मतलब कि गाड़ी में पानी नहीं पीना। ओए पानी मतलब पानी नहीं पीना। हां तो सब लोगों को बता दो जब भी कार चलाओ तो पानी नहीं पीना, जब भी ड्राइव करो तो पानी पीना। सभी नहीं पीते पानी। मैडम तू ही तो ले बैठी, मतलब वाह। मुझे लगता है अमूल की फैक्ट्री है। नहीं अमूल की यहाँ से कहाँ से आई? अरे बैटरी है ड्यूरासेल बड़े वाले। चार्ज। आधे रास्ते में हम पहुंच गए हैं और अब हम जा रहे हैं होटल में खाना खाने। मिना जी भूख लग रही है क्या? लग तो रही है, चाय पीनी है। चाय पीनी है लेकिन इसको हद हो गई यार, रोटी सब्जी कभी कुछ नहीं खानी थी, बस चाय पीनी है। देखो क्या एम्बियंस है यहाँ पे, है हमारा माउंटेन। और ये देखिए ये क्या है, बोलो जबा केसरी। मीनाक्षी इधर आओ, वो कह रहे हैं बोलो जबा केसरी, बोलना ऐसे नहीं। अरे भाई युवा केसरी। दर्श थक गया था ना तू? कार लॉक कर दिया। हाँ कार लॉक कर दी मैंने। नहीं इसका क्या खाओगे? चौमिन खाएंगे। बताओ कि तू हाईवे पे चौमिन खाने आए हैं। मैं एक मसाला डोसा ऑफर कराया, ऑर्डर किया और फ्रेंच फ्राइज पैक। मम्मा मैंने तुम्हें जी आलू प्याज पराठा और उसके साथ चाय, यही तो मैं सुनना चाहता। मियो तूने आलू प्याज पराठा और उसके साथ चाय? चाय मेरी बेटी मेरी तरह है, कुछ नहीं। और मैंने सिंपल एक आलू पराठा पैक करवाने के लिए, खाने के लिए सब कुछ चाहिए। इसको सब कुछ चाहिए, कुछ खाता नहीं है। लेकिन दोस्तों हम आ गए हैं बूढ़ा
राव सॉरी ओल्ड राव ढाबा हाईवे पे है, जयपुर दिल्ली हाईवे पे। और हमारे बच्चे हमेशा जब भी हम आते हैं यहीं आते हैं। सुनो बताओ। हाँ क्या? कैसा लगा डोसा? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मतलब जब भी लगेगा तब थोड़ा देखना पड़ेगा कैसा लग रहा है, लेकिन तब कैसा लगेगा जी। हमारा गेम का दीवाना, गेम क्या खेल रहा है दर्श ने पूरा नहीं। ये मेरी चाय, मैंने दर्श की चाय भी पी ली। देखो पहले मेरा यार क्या हुआ, अभी दर्श फोन देख रहा था तो मम्मी ने इसको एटलीस्ट 10 टाइम डोसा खिला लिया होगा, फिर उसको पता चला हाँ ये तो डोसा है। हाँ ये तो डोसा है। अभी नगर जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिंक सिटी। अब यहाँ पे सब कुछ पिंक ही दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्या जगह है, क्या मस्त यार। जयपुर का रास्ता सबसे बेस्ट हाईवे है, जयपुर का मजाक मक्खन हाईवे है। मक्खन हाईवे, और अभी हम पुलिस ने पकड़ लिया था हमें। मक्खन हाईवे पे हम फिसल गए थे ओवर स्पीडिंग के लिए। ओवर स्पीडिंग कर रहे थे तो पुलिस ने बोला, सुनो क्या कर रहे हो यार जल्दी चलो जल्दी दिखाना ही देते। सारी बातें थोड़ी बोलते हैं। अरे सुनो क्या कर रहे हो जल्दी चलो जल्दी चलो। मैं कभी भी चालान करवा दिया, थोड़ी तो स्पीड करो, खाली रोड है। मक्खन की रोड है, कह रही मक्खन रोड है, और मक्खन पे हम फिसल गए। और देखो हमारी स्पीड पहुंच गई 80 के आसपास और हो गया हमारा चालान। चलो जी हम पहुंच गए हैं बस। यार मैं कितनी अच्छी वीडियो बना लेती, देखो MX। हाँ दोस्तों हम किसी भी ऐप पे नहीं है, आप ध्यान रखना हमारी कोई आईडी नहीं है किसी भी ऐप पे। ओनली इंस्टा और यूट्यूब को छोड़ के हम किसी भी ऐप पे नहीं है, तो कोई भी हमारी फेक आईडी हो तो उससे बच के रहिए। धन्यवाद। जिसे कहते हैं ना बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नेचुरल है। हवा भी इतनी बढ़िया लग रही है, ऑक्सीजन लेवल इतना अच्छा, मतलब यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई बीमारी ही ना हो। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्म है मीनाक्षी, यहाँ पे पहले मीनाक्षी की आँख नाक बंद थी है ना मीनाक्षी, और यहाँ के नाक इसकी पूरी खुल गई है, ऐसी इतनी बड़ी हो गई है। हाँ जैसे इसकी जुबान है वैसी, वो सॉरी मतलब इतनी बड़ी हो गई। सुनो कुछ भी बोलते हो तुम मेरे बारे में, हम ऐसे ही पधारो मारे दे। यार मीनाक्षी आज तो बहुत बुरे फंसे यार। नहीं सुन थोड़ा फास्ट चला लो ना। देखो जयपुर में हम एंटर कर चुके हैं, न्यू देखो कितना बड़ा जयपुर लिखा हुआ है, वेलकम टू द पिंक सिटी जयपुर। मेहू देखो जयपुर, सुनो फिर दिल्ली में भी लिखा है ना ऐसे दिल्ली, आई लव दिल्ली। आज तो बहुत ही कमाल की बात हुई यार। अरे हाँ दिल वालों की दिल्ली, सॉरी सॉरी दोस्तों। आज बहुत ही कमाल की बात हो गई। आज हुआ क्या कि जैसे कि हम नॉर्मल स्पीड से जा रहे थे तो ओवर स्पीडिंग मेरी वाइफ ने कहा, और अगर मेरी बीवी जो काम कहती है मैं क्यों नहीं करूँगा, मैंने उसे दिल से किया और जो स्पीड मैंने बढ़ाई, और उसी टाइम पुलिस वालों ने कहा आजा भाई आड़े साइड में आजा भाई। और मैं इस पे ये गाना सुनाना चाहूँगा, और मेरा तो बीपी इतना हाई हो जाता है ना, अजीब सा हो जाता है, मचला जाता है। पुलिस वाले जब यूँ करते हैं ना इधर आजा भाई साइड में, उन्होंने कहा हाँ भाई लाइसेंस निकाल। अब हम कितने समझदार हैं, कितने समझदार है भाई साहब, हम लाइसेंस भी नहीं लेके आए। ये लाइसेंस आरसी कुछ भी नहीं लेके आए, लेकिन वो मोबाइल परिवहन में है और मेरे पास सब कुछ है, डाटा तो मेरे पास है सारा। तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारा चलान होगा ओवर स्पीडिंग का। अब मैं उनको क्या रीज़न बताऊँ, वो कह रहे रीज़न, मैंने कहा मेरी बीवी कह रही थी चलाओ। अब वो कह रहे हंसने लग गए, वो कह रहे चालान तो भाई साहब आपका होगा ही होगा। तो फिर मैंने उनके हाथ पैर पकड़े, वो कह रहे हाथ पैर मत पकड़ो,
जेब में से पैसे निकालो। और अब इनकी स्पीड कितनी है? अब देखो मेरी स्पीड है भाई 34 के करीब, 30-40 के। मैं घबरा गया हूँ। स्पीड नहीं बढ़ रही है, स्पीड अब मेरी बढ़ेगी ही नहीं। एक्सेलेटर की तरफ पैर जा ही रहा है, जब से जेब की तरफ से हाथ गया है ना, एक्सेलेटर की तरफ पैर नहीं जा रहा है। और इसी पे मैं एक गाना सुनाना चाहूंगी, एक अजनबी हसीना से। ये कहां से कहां का लॉजिक मिल गया? अंग्रेजी देसी शराब है बियर, बियर सॉफ्ट बियर। मैं तो सोच रहा हूँ गाड़ी को धक्का देने के तरफ कोई बीजेपी कांग्रेस है ना यार, वो दिन थे ना जब बिल्ले बटते थे। हाँ। वो फ्लैग लगते थे घरों में भाई, वो पुराने दिन याद आ गए, इतने अच्छे दिन थे वो। यार हर जगह यार जयपुर मीनाक्षी सच्ची में नीट एंड क्लीन सिटी में आती है ना, कितनी अच्छी सिटी है यार जयपुर। बोलो जुबा केसरी, हर जगह जुबा केसरी, ये पागल कर देंगे दोनों मिलकर। दोस्तों ये मेरी वाइफ गई हुई है, देख हुई आ गई, ये गई हुई है यहाँ पे भी शॉपिंग करने। क्या हुआ? जैकेट। हाँ। सुनो जैकेट देखी थी के लिए। अच्छी है? 1250 और 750 की रेंज की है। अच्छी है? अच्छी तो क्या, ठंड पे चलेंगी। इसके पास जैकेट नहीं है ना? जैकेट है ना, एक है वो ना लाइट शेड है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। हाँ तो जो भी है ले लो इसके लिए। तो जैकेट ना आप चूज कर लो, मुझे समझ नहीं आ रहा जैकेट के अंदर। चलो बात दोस्तों, बाकी बातें बाद में, नहीं तो घर में लड़ाई हो जाएगी। बाकी देखो साले लिखा है कहाँ, ये साले ही साले सेल है वो। ओ सॉरी, हर जगह साले ही। बाइक है और बाइक की बिजली लगा रहे हैं ना, ये हमारे हनुमान जी हैं और ये वही हैं जो एक ही कंपनी से हमारे कौन कौन है तुम हो वीडियो में? मैं हूँ, यहाँ आ जाओ बेटा साइड। हाँ अरे बाजी अजी सब कुछ चेंज हो गया। चेंज हो गया? हाँ हाँ देख ले। अनुज का है नीचे वाले से, ये वाले से ज्यादा अच्छा है ना। हाँ। अच्छा। वो कॉलेज गया है ना। अच्छा करा आपने यहाँ लेकर। तो आज हम दोस्तों जयपुर में आ गए हैं, ये मानसरोवर में। ये मीनाक्षी की दीदी का घर है, मेरे साढ़ू साहब की जी का, बड़े साढ़ू साहब का। और मीनाक्षी यहाँ भी अपने काम पे लग गई है, मतलब तैयार होने में, शादी में जाना है आज। तो अब हम उसका एक नया व्लॉग अगले मतलब इसके बाद हम उसे रिलीज करेंगे, देखते हैं वो क्या होता है। अभी तो हम खुद गए भी नहीं है वहाँ पे। और आज ये मुझसे बहुत नाराज है, पता नहीं क्यों। मीनाक्षी क्यों नाराज है? पता है आपको इसको? क्योंकि आज लड़ाई हुई थी। नहीं नहीं, इसको मैंने ना एक ही जगह चाय पिलाई है तो इसका ना दिमाग खराब हो रहा है, नशेड़ी है ना चाय की। हाँ मीनाक्षी क्यों नाराज हो बता दो जरा। क्योंकि अभी जो आपने बोला है ना चुपके से, सब सुना है मैंने। सुन लिया यार, यार ये तो बड़ी गलत बात है। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।